बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलेंगे। अलायंस में एक पार्टी कह रही है कि हम चीन के साथ मिलकर के आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। आपको याद होगा फारूक अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हम चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे। और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकर अलायंस में जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। एक चीन के साथ मिलना चाहता है, एक तिरंगा नहीं उठाना चाहता है। और चिदंबरम जी उसी समय सिंक्रोनाइज करके, ठीक उसी समय जिस प्रकार के बयान एनसी और पीडीपी द्वारा दिए जा रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने ठीक उसी समय चिदंबरम जी के माध्यम से ट्वीट किया था कि अनुच्छेद 370 हटाना यह बहुत ही अनुचित है और हम अनुच्छेद 370 की वापसी चाहते हैं, हम वापस लाएंगे। जस्ट कनेक्ट द डॉट्स माय फ्रेंड। जिस दिन अनुच्छेद 370 पे डिबेट और डिस्कशन पार्लियामेंट में हुआ था, कांग्रेस पार्टी, आप याद करिए वो दृश्य, सोनिया गांधी जी इशारा करती हैं और तुरंत अधीर रंजन चौधरी खड़े हो जाते हैं और अमित शाह पर हमलावर होकर कहते हैं कि आप अनुच्छेद 370 पर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में कैसे डिस्कशन कर सकते हैं, ये तो बायलेटरल मसला है, बिना पाकिस्तान के अनुमति के हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में ये डिस्कशन कैसे हो सकता है। ये सारी चीजें, इफ यू कनेक्ट द डॉट्स यू फाइंड दैट राइट फ्रॉम द डे वन टिल टुडे एवरीथिंग स्टैंड्स कनेक्टेड, ये सब जुड़े हुए हैं। उस समय अनुच्छेद 370 पे डिस्कशन नहीं कराने की इच्छा, आर्टिकल 370 ना हटे, बाद में कोई तिरंगा ना उठाए, चीन की सहायता से किस प्रकार अनुच्छेद 370 वापस आए, ये गुपकर है या गुप्तचर है, मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। ये कौन सा अलायंस है, ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस क्या चाहती है? ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो पाकिस्तान चाहता है। ये गुप्तचर अलायंस वही चाहती है जो हिंदुस्तान के दुश्मन देश चाहते हैं। पाकिस्तान ने हर फोरम में जाकर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को लेकर अपनी आवाज को बुलंद किया। पाकिस्तान हर जगह कह रही है कि अनुच्छेद 370 हटना अच्छी बात नहीं है और अनुच्छेद 370 वापस आना चाहिए। वो संयुक्त राष्ट्र तक चली गई है और ये जो गुप्तचर अलायंस है, ये गुप्तचर अलायंस भी वही कह रही है और उसमें राहुल जी और सोनिया जी सम्मिलित है। आज मैं एक बात यहां सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप इस अलायंस में हैं, जो कहा गया एनसी द्वारा कि चीन के साथ मिलकर अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, जो कहा गया पीडीपी द्वारा कि हम तिरंगे को हाथ नहीं लगाएंगे और किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे, आप इसके पीछे हैं या नहीं है? आप इनको रिजेक्ट करते हैं या इनको सपोर्ट करते हैं? आप इन वाक्यों के साथ खड़े हैं या इन वाक्यों के विरोध में खड़े हैं? मैं तो बिल्कुल सच कहता हूं आज, और बीजेपी बिल्कुल एक्सपोज करना चाहती है, इन सब की सांठगांठ है और राहुल और सोनिया जी के सांठगांठ से ही, चाहे वो पीडीपी हो चाहे फारूक जी हो, इन्होंने इस प्रकार के बयान दिए हैं। जहां तक राहुल गांधी जी का सवाल है, आपने उनका स्टेलर परफॉर्मेंस, विराट परफॉर्मेंस तो देखा ही होगा, बिहार में अभी हुआ है, कितना कमाल का स्ट्राइक रेट रहा है वहां पर। बिहार की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट वाक्यों में राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को कहा है चुप कर, चुप कर, देश के विरोध में ना बोल। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, आर्टिकल 370, चीन, इन सभी विषयों को लेकर जिस प्रकार के वक्तव्य राहुल गांधी जी ने दिया था, प्रधानमंत्री को कायर कहा था, देश को डरा हुआ, छुपा हुआ, हरा हुआ कहा था, जनता ने बिहार में राहुल गांधी जी को चुप कर कहा है और यहां आकर ये चले हैं बनने गुपकर। जिनको चुप कर कहा गया वो गुपकर बनने चले हैं।